नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी सक्रियता और आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है। भोपाल में कमलनाथ ने ओबीसी समाज को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। कमलनाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम प्रदेश में जातिगत मतगणना कराएंगे। जातिगत मतगणना सामाजिक न्याय की नींव होगी। पिछड़े वर्ग के 55% लोग हैं, हमें उनका ख्याल रखना है। 5 महीने बाद सामाजिक न्याय की प्राथमिकता वाली सरकार होगी। ओबीसी की छोटी जातियों के प्रतिनिधियों को भी इसमें मौका मिलेगा। ओबीसी की सभी छोटी जातियां उपेक्षित महसूस कर रही हैं। कमलनाथ ने ऐसे कई वादे भोपाल में पत्रकारों के सामने किए। ये आज मेरे ख्याल में एडिशनल एक बड़े लीगल पोस्ट में जबलपुर में है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नियुक्त किया, उसको पुरस्कार दिया कि आप कोर्ट में गए हमारे कहने पर। तो ये खुलासा भी बहुत जरूरी है, जातिगत मत करना बहुत आवश्यक है। क्यों डरते हैं लोग? हमारी सरकार आएगी, हम जातिगत मतगणना कराएंगे। दूध का दूध पानी का पानी भी साफ हो, ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। और ये जातिगत मतगणना से ही, ये तो हमारी नींव है सामाजिक न्याय। जातिगत मतगणना नहीं होती, दूर हो यार, मेरे से दूर हो यार, सामाजिक न्याय नहीं होता। सामाजिक न्याय की बात हम करें बिना जातिगत मतगणना के कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता हमारा पिछड़ा वर्ग है, हमारा ओबीसी है, कि हम चाहे या ना चाहे हमारे पास उपाय क्या है। अगर आप 55% है पिछड़ा वर्ग, 55% है, याद रखना। और अब कोई शक नहीं कि 5 महीने बाद क्या होने जा रहा है। अभी जो अन्याय है, आपको 5 महीने और सहना पड़ेगा।